हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कॉलेज काका नीट काका जेईई का ही सिस्टर चैनल। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है पहले कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे वीडियोस मिस कर देंगे। बात करते हैं क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही चीज पूछ रहे हैं मुझसे, सर स्टेट काउंसलिंग इस बार पहले होगी क्या AIQ के, क्या AIQ बाद में होगा, क्या जितने स्टेट स्टार्ट हो गए हमारा भी स्टेट स्टार्ट करेगा क्या, क्यों ये बातें उठी। पहले बात कर लेते हैं इसकी। तो भाई जो हमारा कुछ स्टेट्स हैं, लाइक बात करें गुजरात, बात करें पंजाब, बात करें ओडिशा, या ओडिशा है ना, तो इन स्टेट्स ने क्या कर दिया है, अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। ये बात यहां से उठ रही है, सब बच्चे ये पूछ रहे हैं सर देखिए इसका मतलब तो स्टेट काउंसलिंग पहले हो रही है, AIQ से पहले हो जाएगी, AIQ बाद में होगा। और कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे स्टेट में कब होगी, क्या पहले हो जाएगी, कैसे रहेगा। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ढंग से समझिए, इनमें से किसी भी स्टेट ने अब तक किसी भी स्टेट ने यह नहीं कहा है कि उनका राउंड 1-2 मॉपअप कब होगा, अभी तक नहीं बताया है ये चीज, कब होगा नहीं पता। यानी उन्होंने अपना कोई स्केड्यूल जो है वो नहीं शो किया है, ओनली रजिस्ट्रेशन करवाया। अब रजिस्ट्रेशन से क्या होगा ये भी समझ लीजिए, रजिस्ट्रेशन से स्टेट मेरिट लिस्ट बनती है, स्टेट मेरिट लिस्ट बनती है। जैसे कि असम ने एक लिस्ट अभी निकाली है अपनी, असम ने अपनी एक स्टेट मेरिट लिस्ट निकाली है, वो किस बेस पर निकाली है उन्होंने, बिना रजिस्ट्रेशन करवाए। तो उन्होंने क्या किया, जो भी स्टूडेंट्स ने NTA के फॉर्म को भरते वक्त, नीट के फॉर्म को भरते वक्त ये मेंशन किया था कि वो असम से हैं, चाहे फिर वो कहीं और डोमिसाइल के हों या कुछ हो, उन्होंने असम लिख दिया अगर, तो वो सब उन्होंने उस अकॉर्डिंग स्कोर के अकॉर्डिंग उनकी मेरिट लिस्ट बना दी। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी रजिस्ट्रेशन करता है उसकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो भाई ये तो स्टेट करवा सकता है, बट ये राउंड 1 कब होगा, 2 कब होगा, मॉपअप कब होगा, उनकी डेट्स क्या होगी, नहीं दे सकता विदाउट AIQ। तो मेरी बात आप संग से समझ लीजिए, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि AIQ ही पहले होगा। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, AIQ होगा पहले, देन स्टेट काउंसलिंग होगी। याद रखिए AIQ ही पहले होगा, स्टेट पहले नहीं होगा। स्टेट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, दैट्स ओके, अपनी मेरिट लिस्ट निकाल सकते हैं, दैट्स ओके। वो ये नहीं कह सकते कि उनका राउंड 1 स्टार्ट कर रहे हैं वो AIQ से पहले, उसके कई रीजंस हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि AIQ में जब सेकंड राउंड की सीट्स रह जाती है, सेकंड राउंड के बाद में अगर सीट वेकेंट रह जाए तो वो किसे ट्रांसफर होती है, स्टेट को। अगर स्टेट ने पहले करवा दिया तो क्या AIQ को ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं, कैसे होगा वो सब मैनेज, नहीं हो सकता। तो ये आप मान के चलिए पहले AIQ होगा, उसके बाद ही क्या होंगे, स्टेट की काउंसलिंग्स के राउंड स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन पहले करवा सकते हैं। तो हो सकता है आपके स्टेट जो हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, होगा तो हम बिल्कुल टाइम पे बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स और कुछ जानना चाहते हैं, लाइक कम स्कोर है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, BAMS चाहिए प्राइवेट में, BDS चाहिए प्राइवेट में, या स्कोर ज्यादा है और अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए उन्हें लो बजट में, लो बजट किसको मिलेगा, जिनके स्कोर अच्छे हैं 520 से ऊपर है, तो वो मैसेज कर दें हमें, हमारे व्हाट्सएप जो नंबर आपको शो होते रहते हैं लाइन में, उनके अंदर आपको व्हाट्सएप करना है, केवल नंबर पे कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप कर दें, हम आपको ये सब चीजें भी प्रोवाइड करवा के दे देंगे। तो अब जो मैंने कहा इस पर आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, AIQ ही पहले होगा। ओके, थैंक यू।